तो दोस्तों फाइनली 83 का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट हाफ को देखने के बाद मैं इस फिल्म को लेकर बस एक ही बात कहूंगा कि भाई इस फिल्म ने उन लोगों के मुंह पर काली पोत दी है जो कि इस फिल्म को लेकर शुरू से ही नेगेटिविटी फैला रहे थे कि भाई फर्स्ट हाफ बहुत स्लो है और उसके बाद सेकेंड हाफ में आपको केवल क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा। यानी कि भैया फर्स्ट हाफ ने जिस तरीके का समा बांधा है ना, उसको देखने के बाद हम तो यही कहेंगे कि भाई इस फिल्म ने फर्स्ट हाफ में ही दिल जीत लिया है। और भाई एक हिस्टोरिकल मूवमेंट को देखने का जो मज़ा आ रहा है ना इस फिल्म के माध्यम से, यानी कि इस फिल्म को लेकर मैं यही बात कहूँगा कि ये फिल्म उन लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली है जिनको ये बात पता नहीं थी कि भाई इंडियन टीम ने किन मुश्किल परिस्थितियों में 83 का वर्ल्ड कप जीता था। मेरे भाई दोस्तों अगर मैं 83 वर्ल्ड कप की बात करूं तो उस वक्त तो मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था कि उस मूवमेंट को मैं उस समय नहीं समझ पाया था। यानी कि भाई जब 83 का वर्ल्ड कप इंडियन टीम ने जीता था तो उस वक्त मैं 6 साल का था, लेकिन वो जो मूवमेंट था ना वो मुझे आज भी याद है। और भाई इस फिल्म को जिस तरीके से बनाया गया है ना वो देखने में मज़ा आ रहा है। यानी कि फर्स्ट हाफ इस फिल्म का इतना ज़बरदस्त, इतना सॉलिड है कि उसको लेकर मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई उन लोगों के मुंह पर काली पोतो जो कि भैया इस फिल्म को लेकर नेगेटिविटी शुरू से फैला रहे थे, और भाई अगर आप ये सोच कर इस फिल्म को देखने जा रहे हो कि भैया कुछ लोग इस फिल्म को लेकर ये कह रहे हैं कि ये फिल्म ऐसी है वैसी है स्लो है वो है, मैं बोलूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस फिल्म को देखने जाओ, आपको मज़ा आने वाला है मेरे भाई। यानी कि आप उस मूवमेंट को फील कर सकोगे कि किस तरीके से इंडियन टीम ने भैया जिस पर भरोसा नहीं था किसी को कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है, उस टीम ने किस तरीके से वर्ल्ड कप को जीता था। भाई मैं तो इस फिल्म को लेकर यही बात कहूंगा कि भाई वाकई में इस फिल्म ने दिल जीत लिया। तो भाई फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है, सेकंड हाफ चालू होने वाला है, जाता हूं और देखता हूं सेकंड हाफ में ये फिल्म कैसा गुल खिलाती है। लेकिन भाई फर्स्ट हाफ में तो इस फिल्म ने समा बांध दिया है। तो मिलते हैं पूरे फिल्म को देखने के बाद।